गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार ICS के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप लोग के ग्रामर के सिलेबस में मैक्सिमम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जो मैं JSSC CGL जो ग्रेजुएशन लेवल है उसकी बात कर रही हूँ, उसमें आपका उपसर्ग प्रत्यय ये बचा हुआ था अभी, और लास्ट के जो चैप्टर थे जैसे कि महेश्वर सूत्र हुआ, संधि हुआ, उच्चारण स्थान हुआ, कारक हुआ, समास हुआ, इसमें मैं डिटेल एक एक एग्जाम्पल के साथ सारे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अब आपका पोर्शन बच रहा प्रत्यय का, तो प्रत्यय स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें से क्वेश्चंस आएंगे और इसमें ऐसा कुछ टफ नहीं है, बहुत इजी सा है, बस एक एक बार आप इसको देखते चलिए, ठीक है। इसमें हम लोग तीन प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। आप लोग को क्या पढ़ना है? कृदंत प्रत्यय। आज हम लोग प्रत्यय में कृदंत प्रत्यय पढ़ेंगे। धातु के साथ जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं और उनसे बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। तो कृदंत हम लोग किसको बोलते हैं? जो धातु के साथ जो प्रत्यय जुड़े होते हैं। धातु जो होता है जैसे आना जाना, खाना पीना, गम खाद पी दृश्य, ये सब जो धातु होते हैं। तो धातु के साथ जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं और उनसे बने शब्द क्या कहलाते हैं? कृदंत कहलाते हैं। ये प्रत्यय क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। क्या क्या होते हैं? कृत प्रत्यय, कृत और कृत्य। त का अंतर है, एक त में हलंत है और एक में त यह संयुक्त है। तो दो तरह के होते हैं, कृत और कृत्य। उनके योग से बने शब्द संज्ञा विशेषण और अव्यय होते हैं। तो इनसे जो शब्द बनते हैं वो क्या क्या बनते हैं? संज्ञा होते हैं, विशेषण होते हैं और अव्यय होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में क्या क्या आता है? अक्त, अक्तवतु, क्वसु, कानच। इसमें अक्त और अक्तवतु क्या होते हैं? ये प्रधान है और सामान्यतः अक्त और अक्तवतु प्रत्यय के योग से बने शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि अक्त प्रत्यांश शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। तो इसमें क्या हो जाएगा? क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। उनको स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में परिवर्तित किया जाता है। क्या होता है वो? पुल्लिंग होता है, उसको आप स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग में क्या करते हैं? हम लोग कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे गम धातु, ठीक है, गम धातु में अगर अक्त प्रत्यय लगाए हैं तो क्या हो गया है? गत। तो गत कौन सा लिंग हुआ? पुल्लिंग हुआ। और अगर गता होता है, गता, तो गता क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। और गतम होगा नपुंसकलिंग। जैसे हम लोग फलम फले पढ़ानी पढ़ते हैं तो फलम, उसी तरीके से गतम शब्द रूप कैसे चलेगा? फलम के साथ। गता का कैसे चलेगा? पुल्लिंग। ये क्या है? गता क्या है? पुल्लिंग है। और गता क्या है? स्त्रीलिंग है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अक्त और अक्तवतु जो है, अक्त प्रत्यय कौन से लिंग में बनते हैं? पुल्लिंग में बनते हैं। उसके बाद हम लोग उसको स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग में बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे आप गम धातु के साथ देखें तो उसी तरीके से आप सिमिलरली पट धातु के साथ देखिए। पट में अक्त लगा है तो क्या हो गया? पठिता। इसी का स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? पठिता। और अगर नपुंसकलिंग बनाना है तो क्या हो जाएगा? पठितुम, ठीक है, समझ गए। तो आपसे पठितम है, सॉरी, पठितुम तो तुमुन वाला हो गया। अब जैसे आपसे पूछा जा सकता है पठिता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है इसमें? अक्त प्रत्यय है। या पठितम पूछा जाए, अगर आपसे प्रत्यय पूछ रहा है तो पठितम में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? अक्त प्रत्यय। सिर्फ इसका लिंग बदला है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है। इन प्रत्ययों के योग से क्रिया का प्रयोग विशेषण के समान और कर्ता के अनुसार लिंग वचन का प्रयोग होता है। इसमें जो हम लोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और या वचन जो लगाएंगे कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन जो होगा तो किसके अनुसार होगा? कर्ता के अनुसार होगा, जैसा कर्ता है। अगर कर्ता जो है स्त्रीलिंग है तो लिंग वचन जो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग होगा, जो लिंग होगा वो स्त्रीलिंग लगेगा। अगर कर्ता पुल्लिंग है तो जो लिंग क्या हो जाएगा? उसका सारा पुल्लिंग लगेगा। तो इन प्रत्ययों के योग से क्रिया का प्रयोग क्या होता है? विशेषण के समान और इसके कर्ता के अनुसार लिंग वचन का प्रयोग होता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग हिंदी में सामान्यतः कब होता है? भूतकाल में किया होता है, जो पास्ट टेंस होता है। पास्ट टेंस में हम लोग इस प्रत्यय का प्रयोग हिंदी में करते हैं, ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। नेक्स्ट है आपका भूतकालिक कृत प्रत्यय। अब जो हम लोग कृत प्रत्यय पढ़े हैं तो ये तो भूतकालिक वाला बता दिया है कि हिंदी में जो हम लोग
प्रयोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं, पास्ट टेंस के लिए करते हैं। तो इसमें से कुछ एग्जाम्पल है वो आप देख लीजिए कैसे एग्जाम्पल है। जैसे अक्त एवं अक्तवतु, अक्त में क्री धातु और अक्त प्रत्यय लगा तो क्या बना, कृत। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे गता था तो जाता हुआ, तो कृत क्या हो गया, किया गया, किया या किया गया, मतलब वो काम पास्ट टेंस में हो चुका है तो कृत हो गया, ठीक है। उसी तरीके से भू में अक्त प्रत्यय लगा है तो क्या हो गया, भूत। भूत तो ऐसे ही पास्ट टेंस होता है, भूत पिशाच किसको बोलते हैं हम लोग, जो मर के वो हो गया है, घूम रहा है इधर उधर, तो वो भूत हो गया। तो इसमें आपको क्या देना है कि अक्त और अक्तवती प्रत्यय के योग से बने कुछ शब्द जो है, तो उसका मतलब क्या होता है कि हम लोग पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। अगर आपसे कृता शब्द देकर पूछा जाए कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा, अक्त प्रत्यय। ये किस काल के लिए आया है, तो ये क्या है, भूतकाल के लिए आया है। तो भूत शब्द में भी आपसे पूछा जा सकता है कि भूत शब्द में धातु कौन सा है, तो धातु कौन सा हो जाएगा, भू, और प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, अक्त। और इसका काम मतलब इसका टेंस क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस। भूत का मतलब हुआ। उसी तरीके से दूसरा शब्द है वो देखिए, दूसरा धातु है वद, वद मतलब बोलना। अक्त प्रत्यय लगा तो क्या हो गया, वदित, बोला गया। अक्तवतु प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया, जैसे वद धातु में अक्त प्रत्यय लगा, वदित। उसी तरीके से क्री धातु में प्रत्यय लगाया गया है कक्तवतु प्रत्यय, तो क्या हो गया, कृतवान, किया, किया गया, मतलब पास्ट टेंस में ये काम हुआ। उसी तरीके से देखिए दा धातु, दा में अक्तवतु प्रत्यय लगा है, कत्वतु प्रत्यय लगा तो क्या हो गया, दत्तवान। पत में कत्वतु प्रत्यय लगा है तो क्या हो गया, पतितवान, मतलब गिरा हुआ। सारा पास्ट टेंस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये था भूतकाल का प्रत्यय, वैसे प्रत्यय जो भूतकाल में प्रयोग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, अक्त प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वर्तमान कालिक कृत प्रत्यय। अब जो प्रत्यय जो हम लोग प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, तो प्रेजेंट टेंस में कौन सा प्रत्यय यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस में हम लोग प्रत्यय यूज करते हैं सत्री और सानच, ठीक है। यहाँ सत्री में जो हलंत है वो नहीं होगा, री की मात्रा होगा, ठीक है। सत्री सानच, ये कौन सा प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है, और ये हम लोग प्रेजेंट टेंस के लिए यूज करते हैं। इनका प्रयोग वर्तमान काल में होता है। इनमें अंतिम दो प्रत्ययों का प्रयोग बहुत कम होता है। इसमें जो दो प्रत्यय लास्ट में दिए हुए हैं, सत्री सानच का होता है और सानन और चानस का प्रत्यय क्या होता है, बहुत कम होता है। तो इससे क्वेश्चन भी न के बराबर आता है। ये तब आएगा जब आप बहुत टफेस्ट एग्जाम संस्कृत बेस्ट दे रहे हैं, तब वैसा आता है। लेकिन जो लैंग्वेज का पेपर है 100 मार्क्स आपके बहुत और अदर सब्जेक्ट और अदर पोर्शन से आ रहे हैं, तो इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। हिंदी में जहाँ खाता हुआ, पीता हुआ, जाता हुआ, दौड़ता हुआ, जैसे हम लोग बोलते हैं कि वो दौड़ता हुआ वहाँ पहुँच गया है, या वो खाते खाते यहाँ आ गया, तो इस टाइप का जब हम लोग सेंटेंस का यूज़ करते हैं, तो संस्कृत में वहाँ पे क्या लग जाता है, सत्री और सानच प्रत्यय के योग से बने धातुओं का प्रयोग होता है। तो जब भी हम लोग ये सारे वर्ड बोलेंगे, खाता हुआ, पीता हुआ, जाता हुआ, खेलता हुआ, तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगेगा, सत्री और सानच प्रत्यय का प्रयोग होगा, ठीक है। परस्मैपदी धातुओं के साथ सत्री प्रत्यय का प्रयोग होगा। किस धातु के साथ, परस्मैपदी जो धातु होंगे उनके साथ सत्री प्रत्यय लगेंगे, और आत्मनेपदी धातुओं के साथ क्या लेगा, सानच प्रत्यय लेगा। तो ये आपको ध्यान देना, परस्मैपदी में किस क्या लेगा, सत्री, और आत्मनेपदी जो धातु होगा उसमें क्या लेगा, सानच। कुछ कुछ बातें जो आपको ध्यान रखना है, बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल एक एक दो दो एग्जाम्पल आप पढ़ लेंगे तो आपको याद रहेगा। सत्री प्रत्यांत शब्दों के रूप, ये आपको याद रखना है कि जो सत्री प्रत्यांत वैसे शब्द जो सत्री सबसे खत्म होते हैं, सत्री प्रत्यय से होते हैं, तो उसका लिंग क्या होगा, वचन क्या होगा। तो सत्री प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में धावत शब्द के समान, जो हम लोग शब्द रूप है कौन सा फॉलो करेंगे, धावत शब्द के समान, और स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, नदी के समान चलेगा। अगर आपके धातु आपका जो शब्द है उसमें अगर सत्री प्रत्यय लग रहा है तो उसका धातु रूप किस रूप में चलेगा, अगर पुल्लिंग है तो धावत शब्द के समान चलेगा, और अगर स्त्रीलिंग है तो जो नदी शब्द रूप हम लोग पढ़ते हैं उसके समान चलेगा, और नपुंसकलिंग में किसके समान चलेगा, जगत। अगर आपका शब्द नपुंसकलिंग में
हो रहा है तो उसका शब्द रूप जगत शब्द के समान चलते हैं, ठीक है। उनके स्त्रीलिंग रूप में भव्यादि गणीय, द्वियादि गणीय और चुरादि गणियों में ती के बदले अंति हो जाता है। स्त्रीलिंग रूप जो बनता है उसमें क्या हो जाता है, ती के बदले अंति हो जाता है, ठीक है। शेष धातुओं में केवल ती होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे पठत पठंती, पठत पठत जो हम लोग बोलते हैं ना, पठती पठता पठंती, तो इसमें पठत पठंती, गच्छत गच्छंती, कथयत कथयंती, किंतु जो ददत रुदत है उसमें क्या हो जाता है, आप दद दा धातु पढ़े होंगे तो उसका रूप थोड़ा अलग हो जाता है, और ये सब जो आप पढ़ते हैं उसका अलग होता है, ठीक है। सानच प्रत्यय के योग से बने शब्दों के रूप पुल्लिंग में गज शब्द के समान चलते हैं, वो ऊपर हम लोग क्या पढ़े, सत्री का पढ़े। नेक्स्ट क्या है, जो सानच प्रत्यय जहाँ पे लगता है तो उसमें जो पुल्लिंग शब्द बनता है तो उसमें किसके समान चलता है, गज के समान, जो हाथी है। और स्त्रीलिंग में लता के समान, लता लते लता जो है उसके समान चलेगा, और नपुंसकलिंग में फल के समान, ठीक है। जैसे आपका शब्द है, जैसे आपका धातु है पत, पत में अगर क्षत्री लगा तो क्या हो गया, पतत, ठीक है। पतत क्या हो गया, पुल्लिंग है। अब इसका रूप कैसे चलेगा, पतत पतंतो पतंत, ठीक है। यही अगर स्त्रीलिंग होता तो कैसे चलेगा, पतंती का कैसे चलेगा, पतंती पतंतो पतंतया, ठीक है। और नपुंसकलिंग हुआ तो कैसे चलेगा, पतत पतती पतंती, समझ गए। ये आपका किसके लिए था, सानच धातु जब लग रहा है या सत्री धातु जब लग रहा है तो उसके समान कैसे चलेगा। तो पत प्लस सत्री धातु लग गया तो पतत बना। अब इसका पुल्लिंग शब्द रूप जो है कैसे चलेगा, पतन पतंतो पतंत, जैसे हम लोग पढ़ते हैं रामा रामा रामा, उसी तरीके से पतंती अगर स्त्रीलिंग होगा तो लता के समान चलेगा, और नपुंसकलिंग होगा तो फल के समान चलेगा, ठीक है। ये किसका था, सत्री प्रत्यय का। सेम उसी तरीके से अगर सानच होता है, सानच प्रत्यय अगर लगता है तो शब्द रूप किसके समान चलेगा, जैसे लव धातु है, लव धातु में अगर आप सानच प्रत्यय लगाते हैं लव मान, तो इसका रूप कैसे चलेगा, जो आप शब्द रूप पढ़ेंगे इसका रूप कैसे चलेगा, लव मान लव मानव लव माना, ठीक है। और इसी का स्त्रीलिंग हो जाएगा तो कैसे चलेगा, लव माना लव मानी लव माना, और नपुंसकलिंग में लव मानम लव माने लव मानानी। तो ये था सत्री और सानच का शब्द रूप कैसे चलेगा। तो इन दोनों प्रत्ययों के योग से बने शब्द भी विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो ये जो जब प्रत्यय लगता है तो वो शब्द को क्या बदल देते हैं, विशेषण में बदल देते हैं, और वाक्य का कर्ता इनका विशेष्य हो जाता है। जो वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाता है, जो सब्जेक्ट है नाउन बन जाता है, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए कैसे बना, लड़का पढ़ता हुआ सो गया, मतलब जो लड़का था जो बच्चा था वो पढ़ते पढ़ते सो गया, तो इसमें कर्ता कौन हुआ, लड़का हुआ। और इसका जो जो विशेषण मतलब इसमें विशेषता क्या है, पढ़ता हुआ सो गया, तो बालक पठन सुप्तवान। पठन क्यों आया है, पढ़ता हुआ प्रत्यय लगा यहाँ पे, तो लड़का पढ़ता हुआ सो गया, बालक पठन सुप्तवान। तो इसमें क्या बोला गया है, इन दोनों प्रत्ययों के योग से बने शब्दों में भी विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, और वाक्य का क्या हो जाता है, कर्ता जो है विशेष्य होता है। कर्ता क्या है, यहाँ पे कौन काम कर रहा है, लड़का काम कर रहा है, लड़का पढ़ता हुआ सो गया, तो लड़का यहाँ क्या हो गया है, संज्ञा विशेष्य हो गया है। जैसे आप एक दूसरा एग्जाम्पल देखें, ये सत्री का एग्जाम्पल था, दूसरा है सानच का, गुरु की सेवा करता हुआ लड़का विद्वान होता है। जो भी अपने गुरु की सेवा करता है, सेवा करना मतलब जो भी गुरु बोले उनकी बात को फॉलो करना, एक एक बात ध्यान से सुनना, उनकी कहा जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी आपका गुरु आपसे चाह रहा है या बोल रहा है वो सब मानना क्या हो जाता है, सेवा करना होता है। तो गुरु की सेवा करता हुआ लड़का विद्वान होता है, ऑब्वियसली जो भी अपने टीचर की बात सिंसियरली सुनता है वही आदमी आगे चल के विद्वान होता है। तो इसमें क्या है, गुरु की सेवा करता हुआ, तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगा है, सानच, कैसे, गुरु सेव मान छात्र विद्वान भवति, गुरु की सेवा करता हुआ। तो सेवा करता हुआ में शब्द क्या हुआ है, सेव मान शब्द में कौन सा प्रत्यय है, सानच प्रत्यय।
तो गुरु की सेवा करता हुआ लड़का विद्वान होता है। गुरुम सेवमान छात्रा विद्वान भवति। ठीक है, तो यहाँ अपने सत्री और सानिच का कैसे प्रयोग करना है, कौन सा शब्द रूप पढ़ना है, मतलब उसको कौन सा शब्द रूप फॉलो करना है वो देखना है। ठीक है, सत्री प्रत्यय के योग से बने कुछ शब्द, अब आपको सत्री के योग से बने शब्द और सानिच के बने शब्द वो आपको एक एक दो दो एग्जाम्पल में यहाँ पे समझाया हुआ है, वो आप देख लीजिए कौन कौन सा एग्जाम्पल है। जैसे पहला एग्जाम्पल है क्री धातु, जो पहला वाला होता है वो धातु है, तो क्री धातु में क्षत्रि प्रत्यय लगा है तो क्या बना है, कूर्वत। और इसका शब्द रूप कैसे चलेगा, कूर्वन में चलेगा। तो अगर आपसे कूर्वन या कूर्वत पूछा जाता है तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, क्षत्रि प्रत्यय। इसका मतलब क्या होगा, ट्रांसलेशन अगर करेंगे तो क्री क्षत्रि धातु करता हुआ, भू क्षत्रि मतलब भू में क्षत्रि धातु लगा, भवत होता हुआ मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चल रहा, करता हुआ होता हुआ ऐसा चल रहा है। पठ में क्षत्रि धातु लगा है तो क्या हो गया, पठत पढ़ता हुआ। त्यज धातु के साथ क्षत्रि प्रत्यय लगा है तो क्या हुआ, त्यजत छोड़ता हुआ। उसी तरह गम में लगा है तो गच्छन जाता हुआ। आत्मनी पद एवं उभयपदी धातुओं में सानच प्रत्यय के योग से बने शब्द, ये जो आपने ऊपर पढ़ा वो क्या था, ऊपर जो थे उसमें क्या था, आपको सत्री प्रत्यय के बने कुछ शब्द बताए जा रहे थे। ठीक है, उसमें कौन सा विभक्ति हो रहा था, प्रथमा विभक्ति हो रहा था और एक वचन हो रहा था। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो सानच से बना हुआ है और उसमें देखना है कि कौन सा विभक्ति लग रहा है। तो क्षत्रि वाला आप याद रखिए, गम क्षत्रि गच्छत, त्यज क्षत्रि त्यजत। अब नेक्स्ट है आपका आत्मनेय पद और उभय पदी धातुओं में सानच प्रत्यय के योग से बने कुछ शब्द, जैसे आपका धातु है पच, पच मतलब पकाना, तो इसमें सानच प्रत्यय लगा है, पच प्लस सानच, पच माना मतलब पकाता हुआ। ठीक है, यच प्लस सानच, यच माना मांगता हुआ। धातु के साथ सानच प्रत्यय लगाएंगे उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, करता हुआ लेता हुआ जाता हुआ। जैसे अस प्लस सानच आसीन बैठा हुआ, उसी तरीके से सह प्लस सानच सहमान सहता हुआ। तो ये सत्री और सानच पढ़े, इसमें चार थे दो और हैं, सत्री सानच ही इंपॉर्टेंट हो उसी पे आप लोग ध्यान दीजिए। दूसरा है सानन और चानस। ठीक है, ये भी कृत प्रत्यय में आता है तो सत्री सानच आपके लिए इंपॉर्टेंट था, बाकी इसको भी आप देख लीजिए, ऐसे कभी क्वेश्चन आ गया तो उसके लिए आप देख सकते हैं। पू प्लस सानन पवमान, इसमें धातु क्या है, पू है। यज प्लस सानन यजमान, यज धातु है। भुज प्लस चानस भुज भुजान, कौन सा इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो चानस है। हन प्लस चानस निघ्नान। ठीक है, ये दो प्रत्यय अलग थे जो कृत प्रत्यय हम लोग पढ़े, उसमें चार थे, चार में दो इंपॉर्टेंट थे सत्री और सानच, और ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ शानन और चानस का दिया हुआ। तो यहाँ तक हो गया, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं पूर्वकालिक क्रिया के प्रत्यय, जो पूर्वकालिक क्रिया है उसमें कौन से प्रत्यय लगते हैं। प्रत्यय में आपको ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, जो आपका प्रत्यय है और उससे धातु जुड़ने के बाद उसका मतलब कहाँ होता है, वो किस लिंग में उसका यूज होता है, कौन सा वचन रहता है और कौन से काल में हम लोग यूज करते हैं, यही इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पूर्वकालिक क्रिया के प्रत्यय। पूर्वकालिक क्रिया के कौन कौन से प्रत्यय हैं ये देखने हैं। दो क्रियाओं में जब एक क्रिया पहले और दूसरी क्रिया पीछे पीछे होती है तब पहली क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, पूर्वकालिक क्रिया, वैसी क्रिया जो पहले हो गई है और साथ साथ दूसरा भी कंटिन्यू है। ठीक है, दो क्रियाओं में जब एक क्रिया पहले और दूसरी क्रिया पीछे होती है तब पहली क्रिया, जो पहली वाली क्रिया है वो क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। इसके एग्जाम्पल ना अगर आप यूपी पीसीएस या फिर आरओ एआरओ के एग्जाम देते हैं या आप सीसैट में भी जो स्टेट पीसीएस है उसमें हिंदी है तो उसमें पूर्वकालिक क्रिया के एग्जाम्पल देकर जरूर पूछा जाता है। तो जो भी ये सब एग्जाम दे रहे होंगे उनके लिए बहुत ईजी है, जैसे कि जो यूपीएससी दे रहे हैं या फिर स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो सीजीएल उनके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपको वैसा ही आएगा जो इस टाइप के क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं फेस कर चुके हैं। और जैसे आपके पेपर वन और पेपर टू है
तो जो लोग पहले से, मतलब कि जब से ये वैकेंसी आए तब से पढ़ रहे, तो उनको तो मैं बोल सकती हूँ कि कुछ देखने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप इतने कॉन्फिडेंस है कि आप जाएं और बिना कुछ किए हिंदी इंग्लिश आराम से क्वालिफाई कर लेंगे, पेपर 3 भी आराम से कर लेंगे, आपको जो फोकस करना है आपके अपने लैंग्वेज पेपर भी करना है, और लैंग्वेज पेपर पे फोकस करने का टाइम अभी ही है। उसमें आपका जो भी लैंग्वेज है, मैं स्पेशली संस्कृत का नहीं बोल रही हूँ, अगर आपका इंग्लिश है, बांग्ला है, उर्दू है, और जो रीजनल लैंग्वेज है, संथाली हो, खोटा, जो भी हो, उसमें आप आराम से 50% क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आप कर सकते हैं। बाकी के जो 50% क्वेश्चन में आपके 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा बहुत पढ़ना होगा, और 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप बहुत पढ़ के भी जाए तो भी ना कर पाए। तो आप ये मान के चलिए कि आप 50-60 बिना पढ़े भी करेंगे। अगर आपको रिविजन का टाइम नहीं मिला, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख के जा रहे हैं, तो आप 60 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 आराम से करते हैं। बाकी के 40 क्वेश्चन के लिए थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, 10 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो 90 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप 70 क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं। तो आप उसी तरीके से अपना टाइम डिवाइड करके पढ़िए। उतना कोई भी लैंग्वेज टफ नहीं है। अगर आपने लैंग्वेज सेलेक्ट किया है तो आप अपने कॉन्फिडेंस, आपको वो ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं कहेंगे, आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप वो लैंग्वेज कवर कर सकते हैं, तभी तो आपने वो लैंग्वेज लिया है। बहुत लोगों ने जल्दबाजी में ये भी किया था कि हिंदी ले लेते हैं, इंग्लिश ले लेते हैं, तो हिंदी का तो मटेरियल अवेलेबल है, इंग्लिश का भी अगर आप रांची में देखेंगे तो कहीं कहीं मिल जाएगा, लेकिन दिल्ली में या फिर अदर जो अदर स्टेट वाले भी दिए होंगे उनको मिलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो अगर आपने लैंग्वेज ले ही लिया है और 16-17 तक आपको आपका पेपर है ही, तो अब आपका जो बेसिक आपने जो भी जिस लैंग्वेज में पढ़ा है उसी पे डिपेंड होकर जाइए कि हाँ इतना तो स्कोर हो ही जाएगा, चाहे कोई सा भी लैंग्वेज आप रखे हो, ठीक है। और बहुत लोग ऐसे होंगे जो इस लैंग्वेज में PhD होंगे, तो अपने लैंग्वेज में PhD होंगे तब आपको तो 100 में 90 लाने से तो कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। तो पूर्वकालिक क्रिया हम लोग किसको बोलते हैं, दो क्रियाओं में जब एक क्रिया पहले और दूसरी क्रिया पीछे पीछे होती है तब पहली क्रिया को क्या कहा जाता है, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे वह खाकर स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है एक क्रिया, वह खाकर स्कूल जाता है, तो यहाँ खाकर क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया हो गया। इसी तरह हिंदी में जिस क्रिया के साथ, ये हम लोग तो संस्कृत पढ़ रहे हैं ना, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, हिंदी में जिस क्रिया के साथ कर या कर के लग जाता है तो वह क्या हो जाती है, पूर्वकालिक क्रिया। नाम से ही पता चल रहा, पूर्वकाल मतलब जो पहले हो चुका है, तो कर या कर के लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, पूर्वकालिक क्रिया। संस्कृत में ऐसी क्रिया के लिए मूल धातु में कत्वा प्रत्यय या लप प्रत्यय आता है। तो संस्कृत में जब हम लोग ऐसे बात बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया में, तो कौन सा प्रत्यय आ जाता है, कत्वा या लप प्रत्यय आ जाता है, ठीक है। धातु अकेला रहने से उसमें कत्वा प्रत्यय लगता है और उपसर्ग युक्त धातु रहने पर लप प्रत्यय लगता है। अब इसमें आपको ये ध्यान देना है कि धातु अगर अकेला रहे, अगर धातु के साथ कुछ नहीं है तो कत्वा प्रत्यय लगेगा, और अगर उपसर्ग है उसमें, उपसर्ग मतलब जो शब्द से पहले जुड़ रहा है, जैसे हम लोग अनुप्रा ये जो होता है या प्रत्येक, तो प्रत्येक में क्या है, शब्द से पहले लग रहा है, तो जो शब्द से पहले लगते हैं वो क्या हो जाते हैं, उपसर्ग। तो जो धातु अकेला है तो उसमें कत्वा प्रत्यय लगा है, और उपसर्ग युक्त धातु रहने पर क्या हो जाता है, लप प्रत्यय लगता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे गम प्लस कत्वा, तो गम क्या है, धातु है, गम में अत्वा प्रत्यय लगा तो क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे पठित्वा नहीं होगा, गम प्लस गत अत्वा है तो गत्वा होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आप देख लीजिए, गम प्लस गत्वा जाकर होगा, पठ धातु में अक्त्वा प्रत्यय लेगा तब पठित्वा होगा, ठीक है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। जैसे जी प्लस कत्वा, जित्वा जीत कर, तो आप ऊपर क्या पढ़े थे, जब मूल धातु के साथ कत्वा प्रत्यय लगता है, संस्कृत में क्या है, संस्कृत में ऐसी क्रिया जो मूल धातु में कत्वा प्रत्यय या लप प्रत्यय लगता है, तो जहां धातु अकेला रहता है वहां क्या होता है, कत्वा प्रत्यय, और उपसर्ग भी रहता है तो वहां क्या हो जाता है, लप प्रत्यय। तो यहाँ पे जितने भी आप एग्जाम्पल देख रहे हैं उसमें धातु क्या है, अकेला है, जैसे गम जी दा हन लब, ठीक है, इसमें क्या है, धातु अकेला है, तो सब में कौन सा प्रत्यय लगा है, कत्वा प्रत्यय लगा है। जैसे दा प्लस कत्वा दत्वा, हन प्लस कत्वा हत्वा, लब प्लस कत्वा लब्धवा, ठीक है, तो ये धातु अकेला है। लेकिन वहीं अगर उपसर्ग भी लगता है
तो उसके साथ कौन सा प्रत्यय लगता है? ल्यप प्रत्यय लगता है। फॉर एग्जाम्पल आपका धातु यहाँ पे क्या है, ये शब्द है आपका आगत्य, ठीक है। तो आगत्य को जब हम लोग एक एक वर्ड तोड़ेंगे तो उसमें क्या होगा, आ अलग से एक उपसर्ग लगा, आ मतलब आना, गम धातु लगा है, ठीक है, और ल्यप प्रत्यय लगा है। तो इन तीनों को मिलाकर शब्द क्या बना है, आगत्य। तो जहाँ पे भी उपसर्ग होगा वहाँ पे क्या लेगा, ल्यप प्रत्यय लेगा, मतलब उसका वही होगा आकर, जो आप कत्वा में लगा रहे थे, ठीक है। सिर्फ ये ध्यान देना है कि उसमें उपसर्ग लग रहा है। उसी तरीके से आदाय, आ धातु, आ है उपसर्ग, दा धातु है और ल्यप प्रत्यय है, ठीक है, लेकर। उड़कर, उत्पत्ति, उत उपसर्ग, पत धातु और ल्यप प्रत्यय। उसी तरीके से संक्षिप्त, संक्षेप करके, तो इसमें क्या है, सम क्या है, उपसर्ग है, सम प्रत्यय नहीं है, सम क्या है, उपसर्ग है, क्षिप धातु है और ल्यप प्रत्यय है। आपसे कभी कभी शब्द देकर पूछा जा सकता है कि उसमें उपसर्ग कौन सा और प्रत्यय कौन सा, तो ये आपको ध्यान देना है। प्रत्यय क्या लगता है, धातु के बाद में लगता है, और उपसर्ग क्या लगता है, पहले ही लगता है वो। अगर आपसे पूछा जाए कि विलोक के शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें प्रत्यय कौन सा होगा, ल्यप प्रत्यय होगा, लेकिन प्रत्यय से पहले भी उसमें एक वी क्या है, उपसर्ग है, तो वी उपसर्ग है, लुक धातु है और ल्यप प्रत्यय है। इस तरीके से आपको बताना है। जैसे कि आप अगर 6th-7th में संस्कृत में पढ़ते होंगे ना, कोई शब्द देकर आपके टीचर पूछते होंगे कि इसमें धातु और प्रत्यय बताओ, तो वो सब चीज़ आपको याद होगा कि एक शब्द में आपसे पूछा जाता था कि इसमें कौन सा धातु है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा ये कौन से लिंग में, कौन से वचन में, कौन से पुरुष में, ठीक है। तो इसमें आपका ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि शब्द देकर आपसे उपसर्ग भी पूछा जा सकता है, धातु भी पूछा जा सकता है और प्रत्यय भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग ये पढ़ रहे थे कि जहाँ सिर्फ धातु के साथ जो प्रत्यय लग रहा है, अगर अकेला धातु है उसमें कत्वा प्रत्यय लग रहा है, और वही अगर उपसर्ग के साथ लगता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ल्यप प्रत्यय लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं तुमुन प्रत्यय में, इम्पॉर्टेंट है तुमुन प्रत्यय भी। तुमुन प्रत्यय जब भी हम लोग पढ़ते हैं, तुमुन का मत क्या होता है, के लिए, जो हम लोग संप्रदान कारक का जो चिन्ह है ना, खो के लिए, तो उसमें के लिए, इसमें आप एक दो एक्सेप्शनल केस कारक में पढ़े होंगे तुमुन धातु के साथ, ठीक है। तो तुमुन का मतलब ही क्या होता है, के लिए, के लिए का अर्थ क्या होता है, तुमुन। तो जब भी हम लोग संस्कृत में के लिए बोलेंगे, जैसे जाने के लिए, खाने के लिए, तो उसमें क्या हो जाता है, तुमुन प्रत्यय लगता है। जब एक क्रिया दूसरी क्रिया के लिए होती है तब पहले क्रिया में क्या हो जाता है, तुमुन प्रत्यय लगता है। हम लोग पूर्वकालिक क्रिया के सारे पढ़ रहे थे, ठीक है। तो जब एक क्रिया दूसरी क्रिया के लिए होती है तब पहले क्रिया में क्या होता है, तुमुन प्रत्यय लगता है। जैसे सह पठितुम गच्छति, वह पढ़ने के लिए जाता है, किसके लिए जाता है, पढ़ने के लिए। तो पठितुम, पठ धातु में तुमुन प्रत्यय लगा है, तो क्या हो गया, पठितुम, समझ गए, वो पढ़ने के लिए जाता है, इसका ट्रांसलेशन किया हुआ। सा गंतुम इच्छित, जैसे सा गंतुम इच्छित, वह जाना चाहती है, तो इसमें भी कौन सा प्रत्यय लगा है, तुमुन प्रत्यय लगा है। ध्यान रखना चाहिए कि तुमुन प्रत्यय के योग से बने क्रियापद का प्रयोग वही होता है जहां दोनों क्रियाओं का कर्ता एक ही होता है। तो आपको ये याद रखना है कि तुमुन प्रत्यय का यूज कहाँ पे होता है, जहां पे कर्ता सेम पर्सन है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। यदि दोनों क्रियाओं के कर्ता दो हो तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है। अगर दोनों, दो क्रिया हो रहा और दोनों क्रिया जो है दो पर्सन से किया जा रहा है, दो पर्सन दो काम कर रहे हैं, तो वहां पे क्या, तुमुन प्रत्यय का यूज नहीं होता है। वहां पे क्या होता है, यदि दोनों क्रियाओं के कर्ता दो हो तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग नहीं करके चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। तब सीधे सीधे आप जो कर्ता ने कर्म को जो थे, तो संप्रदान को के लिए जो चतुर्थी विभक्ति, उसका प्रयोग कीजिए, वहां पे आप तुमुन प्रत्यय का प्रयोग नहीं कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, सा पठितुम आगच्छति, इस वाक्य में दोनों क्रियाओं का कर्ता एक ही है, इसमें क्या है, कर्ता एक ही है, स है, ठीक है, स पठितुम आगच्छति, तो इसमें तुमुन का प्रत्यय, जो तुमुन प्रत्यय का यूज हुआ तो वही वो सही है। इस वाक्य में दोनों क्रियाओं का कर्ता एक ही है, इसलिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग उचित है, यहाँ पे गलत नहीं है। किंतु, लेकिन अगर दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए,
माता शिशु ने शिशु भोजनाय आहयति। तो यहाँ पे क्या है, माता जो है बच्चे को खाना खाने के लिए बुला रही है। तो यहाँ पे दो कर्ता हो गया ना, इस वाक में भोजन करने की क्रिया का कर्ता दूसरा है। माता जो कर रही तो कर रही, लेकिन बच्चे को किस लिए बुला रही है, खाना खाने के लिए, ठीक है। तो इस वाक में भोजन करने की क्रिया का कर्ता दूसरा, जो भोजन करेगा उसका कर्ता तो दूसरा है, माता अपना काम कर रही है और बच्चे से दूसरा काम करवा रही है, तो दो कर्ता हुआ ना। तो दो कर्ता है तो यहाँ पे क्या होगा, तुमुन प्रत्यय का यूज नहीं होगा, यहाँ सीधे सीधे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, जो कि यहाँ पे हुआ है। कैसे हुआ है, माता शिशुम भोजनाय आहयति, भोजन के लिए, ठीक है। तो माता बच्चे को भोजन कराने के लिए बुला रही है, यहाँ पे दो कर्ता है इसलिए तुमुन का प्रयोग नहीं हुआ है, समझ गए। तुमुन प्रत्यांत शब्दों का प्रयोग एक तो के लिए के अर्थ में होता है और दूसरा कुछ क्रियाओं को गौण के रूप में किया जाता है। तुमुन प्रत्यय का यूज हम लोग बेसिकली किसके लिए करते हैं, जब हम लोग के लिए बोलते हैं, किसी के लिए, मतलब संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति जो हम लोग बोलते हैं तब हम लोग तुमुन का प्रयोग करते हैं। ये तो प्राइमरी चीज है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा सेकेंडरी क्या है, कुछ क्रियाओं को गौण की क्रिया के रूप में, जो सेकेंडरी काम है उसके लिए भी किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए कहाँ पे होता है, रामा भोक्तुम गच्छति। तो यहाँ पे रामा भोक्तुम गच्छति है के लिए हो रहा, राम खाने के लिए जाता है, किसके लिए जाता है, खाने के लिए, तो भोक्तुम हुआ है। तो ये तो हो गया आपका प्राइमरी यूज। सेकेंडरी यूज जो गौण है वो देखिए कैसे, सीता पठितुम शक्नोति, गौण क्रिया के रूप में, सीता पढ़ सकती है, मतलब सीता जो है उसको पढ़ सकती है, तो ये गौण क्रिया के रूप में, यहाँ के लिए के नहीं हुआ है। सीता पढ़ सकती है मतलब सीता यहाँ पे जो है क्रिया जो है पठितुम जो है क्या हो रहा है, सेकेंडरी गौण क्रिया के रूप में यूज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे पठितुम हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शा आगंतुम इच्छति, गौण क्रिया के रूप में, वह आना चाहती है, ठीक है। सा आगंतुम इच्छति गौण क्रिया है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा, तुमुन प्रत्यय। अब हम लोग क्या बनेंगे, तुमुन प्रत्यय के योग से कौन कौन से शब्द है वो देखेंगे, बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं है इसमें, ठीक है। वो इतने देर से आप तुमुन तुमुन पढ़ रहे होंगे तो समझ गए होंगे। जैसे कुछ शब्द है, जैसे आपको शब्द दिया हो भवितुम, तो इसमें आपको अगर तुमुन प्रत्यय याद है तो आप बता सकते हैं कौन सा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है, होने के लिए। उसी तरीके से पठितुम, पढ़ने के लिए, गंतुम जाने के लिए, द्रष्टुम देखने के लिए, पातुम पाने के लिए। तो ये हम लोग क्या पढ़े अब तक, तुमुन प्रत्यय। आप एक एक बार और देखिए, उस चीज को बार बार देखिए तो आपके माइंड में बैठ जाएगा, उतना टफ कुछ है नहीं। तो ऊपर हम लोग कौन सा प्रत्यय पढ़े, कृत प्रत्यय। अब हम लोग पढ़ेंगे, ऊपर पढ़े थे कृत प्रत्यय, अब आगे पढ़ेंगे कृत प्रत्यय। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े, सत्री सानज ल्यप और तुमुन। आगे हम लोग आगे के सात प्रत्यय हैं उसको पढ़ेंगे, ठीक है। कृत प्रत्यय कौन कौन से सात है, पहला है तव्य तव्यत अनियर यत न्यत क्यप और केलिमर, ठीक है। कितने हैं ये, सात है। इन प्रत्ययों के योग से बने शब्द सकर्मक धातुओं में कर्मवाच और अकर्मक धातुओं में भाववाच में चाहिए या योग्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे हम लोग इंग्लिश में शुड का यूज करते हैं, विदलिंग शुड ऐसा होना चाहिए, तो यहाँ पे ये यूज होता है। कौन कौन सा, सात, तव्य तव्यत अनियर यत न्यत क्यप केलिमर, ठीक है। कहाँ पे यूज करते हैं, जब सकर्मक धातुओं में कर्मवाच और अकर्मक धातुओं में भाववाच में चाहिए या योग्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है। एग्जाम्पल देखिए, त्वया वेद पठितव्य, तेन वेद पठनीय। आप शब्द देखिए, तव्य लग रहा है, अनियत लग रहा है, मया गृहम गंतव्यम, तव्यम लगा यहाँ पे। अब इसमें तो आपको ट्रांसलेशन तो नहीं समझाना है कि मया गृहम गंतव्यम इसका मतलब क्या है, ये तो इतना आप समझ ही रहे होंगे। हरि ध्येय या इदम मया कार्यम आवेदन पचेलियम, ये जो आपने ऊपर तव्य तव्यम पढ़ा ना, उसी का एग्जाम्पल है। अंतिम जो है केलिमर प्रत्यय का प्रयोग बहुत कम होता है, जो ये केलिमर प्रत्यय ये न के बराबर, नेग्लिजिबल इसका यूज होता है। तो हम लोग को कौन कौन सा इंपॉर्टेंट, कौन कौन सा पढ़ना है, तव्य तव्यत अनियर यत नियत क्यप, ठीक है। छह प्रत्यय आपको पढ़ने हैं।
अन्य कर्मवाच के वाक्यों की तरह इन प्रत्ययों के योग से बने शब्दों में क्या होता है, लिंग, वचन आदि भी क्या हो जाएगा, जो आपका वाच्य रहेगा उसी के अनुसार होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, तेन वेदा पठितव्या, तेन वेदा पठितव्या, तो जो लिंग वचन लग रहा है वो कर्ता के अकॉर्डिंग, जो आपका कर्म है उसके अकॉर्डिंग ही लग रहा है। कर्मवाच में कर्म के अनुसार होता है, तो जो काम हो रहा उसके अनुसार हो रहा है। तय फलम भक्षितव्यम, तेन वेद पठितव्य, तेन फलानी भविष्यतानि, तेन है, तेन मतलब सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्यम, तेन है तो फलानी भक्षितव्यानी लगा है। आप शब्द रूप पे ध्यान दे रहे होंगे तो सारा एक वचन जो मतलब एक वचन ही सारे वचन जो है उसी में हो रहा है। मया कथा श्रोतव्या, अस्माभि कथा श्रोतव्या, मया हसितव्यम, अस्माभि हसितव्यम, तो जो आपका कर्म है उसी के अकॉर्डिंग आपका सारा वचन भी हो रहा है। ये आपका क्या था जो आप पढ़े ऊपर, तव्य, ऊपर के धातु आप पढ़े तव्य और तव्यत, उसके अनुसार, ठीक है। उसके बाद आ रहा आपका तव्य तथा अन्य प्रत्ययों के योग से बने शब्द, तो जो प्रत्यय से बने शब्द हैं उसको एक एक बार आप देख लीजिए। जैसे भू में अगर तव्य प्रत्यय हम लोग लगाए हैं तो क्या हो गया है, भवितव्यम, तो भवितव्यम का अर्थ क्या होता है, होना चाहिए, ये तव और अन्य चाहिए के अर्थ में होता है। जैसे प्ला पा प्लस तव्यम, पातव्यम, पीना चाहिए, भू प्लस अनियर, भवनीय, होने योग्य, गम प्लस अनियर, गमनीय, जाने योग्य, दा प्लस अनियर, दानियम, देने योग्य। तो ऊपर क्या था, तव्य और अनियर प्रत्यय के एग्जाम्पल हम लोग पढ़े, ठीक है। तो आपसे शब्द जैसे स्मृतव्यम या भविनियम देकर पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, और इसमें कुछ और कृदंत प्रत्यय है वो आप देख लीजिए। पहला है न्यत प्रत्यय, न्यत प्रत्यय कहाँ पे लगता है, सूत्र है इसका रिहलो न्यत, रिकारांत, जितने भी रिकारांत शब्द है और व्यंजन व्यंजनांत, जो भी शब्द व्यंजन जिसका अंत में व्यंजन हो, धातुओं में क्या लगता है, न्यत प्रत्यय लगता है। और न्यत प्रत्यय के योग से बने शब्दों का प्रयोग भी कर्मवाच और भाववाच में होता है। कहाँ पे योग होता है, कर्मवाच और भाववाच में होता है। इसमें आपको ध्यान देना है कि रिकारांत शब्द होता है, व्यंजन से अंत होता है, तो न्यत प्रत्यय लगाने से धातु का उपधा अ की वृद्धि हो जाती है। इसमें क्या होता है, अ की वृद्धि हो जाती है और इक का गुण हो जाता है, एक अ बढ़ जाएगा और इक का गुण हो जाएगा और अंतिम इक की वृद्धि हो जाएगी। इक जो है ना, हम लोग इक बोल रहे हैं, उसकी वृद्धि हो जाएगी। एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे क्री धातु में नियत लगा है तो क्या हो गया, कार्य, एक अ बढ़ रहा, अ की वृद्धि हो गई। री धातु है, सबसे पहले तो री कारांत है, उसके बाद उसमें आ गया, अ की वृद्धि हो गई और इक गुण हो जाता है। जैसे क्री प्लस नियत कार्य, पठ प्लस नियत पाठ्य, वाच प्लस नियत याच्य। तो आपसे ये शब्द देखकर पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। उसी तरीके से है यत प्रत्यय, इसका सूत्र है अचो यत, अचो यत पोर दुबधात, स्वरांत धातुओं में तथा जिन धातुओं में उपधा में प वर्ग हो, उसमें शक श ग चर यम, ये धातुओं में यत प्रत्यय लगता है। कौन कौन से में, शक स ग चर और यम धातु में क्या लगेगा, यत प्रत्यय लगेगा। और यत प्रत्यय के योग से बने शब्द भी क्या होंगे, कर्मवाच और भाववाच। तो ऊपर से हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं वो सिर्फ कर्मवाच और भाववाच में लगेंगे, ये आपको ध्यान देना है। जैसे गा प्लस यत गेयम, नी प्लस यत नेयम, पा प्लस यत पेयम, तो किसमें लगता है, ये भाववाच और कर्मवाच में लगता है। उसी तरीके से आता है न्यूल और त्रिच प्रत्यय, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका सूत्र है न्यूल त्रिच, न्यूल त्रिच, न्यूल और त्रिच प्रत्यय के योग से किसी क्रिया के करने वाले का बोधक क्या हो जाता है, कर्तृवाचक शब्द बनाया जाता है। तो जब भी हम लोग ये प्रत्यय लगाएंगे तो किसी क्रिया के करने वाले का बोधक, जो भी काम हो रहा है उसका क्या हो जाएगा, कर्तृवाचक शब्द बनेगा। एग्जाम्पल आप देखिए, क्री प्लस न्यूल कारक, कारक ऐसे भी इंपॉर्टेंट है, आपसे कारक शब्द देकर पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है,
तो कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क्री धातु है और न्यूल प्रत्यय है, ठीक है। उसी तरीके से स्मृति प्लस न्यूल प्रत्यय स्मारक या रक्षक, जनक, भक्षक, ये समय कौन सा प्रत्यय लगा है? न्यूल प्रत्यय, सॉरी कारक, स्मारक, रक्षक और जनक में कौन सा प्रत्यय लगा है? न्यूल प्रत्यय। नेक्स्ट अब देखिए, कर्ता, वक्ता, दृष्टा, वेत्ता और धाता, ठीक है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? त्रिच प्रत्यय लगा है। क्री धातु में त्रिच प्रत्यय, वच धातु में त्रिच प्रत्यय, दृश धातु में त्रिच प्रत्यय और धा धातु में त्रिच प्रत्यय, ठीक है। तो ये क्या था? कर्तृवाच का था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं भाववाच प्रत्यय, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रत्यय है जो सिर्फ भाववाच्य में लगते हैं, कौन कौन से हैं? पहला है इक्तिन प्रत्यय, ठीक है, और दूसरा ल्युट प्रत्यय, ये किस में लगेगा? भाववाच में। इक्तिन प्रत्यय देखिए, धातुओं में इक्तिन प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है जो स्त्रीलिंग होती है। कैसी होती है वो? स्त्रीलिंग होती है। तो आपको ध्यान देना है कि इक्तिन प्रत्यय जब भाववाच में लगाया जाता है तो क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग हो जाता है। तो इक्तिन प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है जो जिसका रूप कैसा चलता है? स्त्रीलिंग चलता है। जैसे क्री प्लस इक्तिन कृति, और आपको आगे स्त्री प्रत्यय भी पढ़ना है तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। दिस दृश धातु में इक्तिन प्रत्यय लगा है तो दृष्टि, युज में इक्तिन प्रत्यय लगा तो युक्ति, ये सारा स्त्रीलिंग शब्द है। ख्या में लगा है इक्तिन तो ख्याति, हा में इक्तिन लगा है तो हानि, ये सब क्या है? इक्तिन प्रत्यय है और इसका लिंग कैसे चलेगा? स्त्रीलिंग के समान चलेगा। नेक्स्ट है आपका ल्युट प्रत्यय। धातु में ल्युट प्रत्यय लगाकर भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। ये सब जो हम लोग पढ़े ये सब कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। इक्ति हुआ, कृति हुआ, ख्याति हुआ, हानि हुआ, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भाववाचक संज्ञा में कौन सा प्रत्यय लगाया जाता है? तो भाववाचक संज्ञा वाले शब्द जितने भी है उसमें क्या होता है? इक्तिन प्रत्यय लगता है, ठीक है। ल्युट प्रत्यय भी किसमें लगता है? भाववाचक शब्द में लगता है, और इसका लिंग क्या चलता है? हमेशा नपुंसक लिंग। तो आपको ये याद रखना है कि इक्तिन प्रत्यय लग के भाववाची जो बनता है तो उसमें क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है, जैसे कृति, दृष्टि, युक्ति, ख्याति। और जब ल्युट प्रत्यय लगता है और भाववाच्य बनता है तो उसका जो रूप है कैसा चलता है? नपुंसकलिंग में चलता है, जैसे गम प्लस ल्युट गमनम, पट प्लस ल्युट पठनम, मृ प्लस ल्युट मरनम, ये किस में चलेगा? नपुंसकलिंग में। पा प्लस ल्युट पानम, ठीक है। तो आपको लिंग याद रखना है किस लिंग में इसका धातु चलेगा। नेक्स्ट है आपका घय प्रत्यय, ये भी इंपॉर्टेंट है। धातुओं में घय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, ऐसे संज्ञा शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। घय मतलब क ख ग घ घ और च छ ज झ ञ क ञ घय। तो ऐसे जो शब्द बनते हैं, ऐसे प्रत्यय वाले शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। तो धातुओं में घय प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, और ऐसे संज्ञावाचक शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे पठ प्लस घय पाठ, तो पाठ शब्द क्या है? पुल्लिंग है। जैसे शब्द है राम है, तो राम में कौन सा प्रत्यय है? रम धातु में घय प्रत्यय लगा है तो शब्द क्या बना है? राम। राम क्या है? पुल्लिंग वचन है। पुल्लिंग, इसका जो रूप चलेगा पुल्लिंग चलेगा। और ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो पट हुआ या पाठ हुआ, राम हुआ, लेखा हुआ, भाव हुआ, रोग हुआ, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इनका शब्द रूप कैसे चलेगा? पुल्लिंग चलेगा। और इन सब में प्रत्यय कौन सा लगा है? जैसे आपसे पूछा जाएगा रोग, रोग शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घय प्रत्यय है। भाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घय प्रत्यय है, ठीक है। अब उसके बाद कुछ और कृतिवाचक शब्द है, कर्तिवाचक प्रत्यय है, वो देख लीजिए कौन कौन सा है। पहला है बुद्ध, जिसमें लास्ट में अ बचता है, तो बुद्ध धातु में अ लगा है तो क्या बना है? बुध। उसी तरीके से है प्रिय, प्री धातु में अ प्रत्यय लगा है तो क्या हो गया? प्रिय। नेक्स्ट है छिप, छिप धातु में अ प्रत्यय, छिप, ये था जो लास्ट में अ हो रहा है। उसके बाद एक और है कर्तृवाच और कर्मवाच दोनों में होता है, वो कौन सा प्रत्यय है? अण, अण प्रत्यय, ठीक है, जो लास्ट में उसका ओनली अ बचता है। जैसे कुंभम करोति,
इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? अण प्रत्यय लगा है, कुंभकार। अगर आपसे कुंभकार शब्द देकर पूछा जाता है इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है? अण प्रत्यय है। और इसमें कर्तृवाच और कर्मवाच दोनों में होता है ये। जैसे सूत्रधार, इसमें कौन सा प्रत्यय है? अण प्रत्यय है, और ये कर्तृवाच और कर्मवाच दोनों में यूज होगा। उसी तरीके से आपका टप ट, जिसमें कि अ बच जाता है, जैसे दिवा करोति, दिवा कर, लास्ट में क्या बच रहा? अ बच रहा है, तो इसमें प्रत्यय पूछा जाएगा। कौन सा प्रत्यय है इसमें? ट प्रत्यय है। उसी तरीके से निशा कर, निशा करोति, या अग्रे जात, अग्रज, तो अग्रज में कौन सा प्रत्यय है? ट प्रत्यय है। देख के इसमें समझ में नहीं आएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। निशाकर में कौन सा प्रत्यय है? ट प्रत्यय। अग्रज में कौन सा प्रत्यय है? ट प्रत्यय। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट में अशेष रह जाता है, ठीक है। जैसे शत्रुघ्न, शत्रुघ्न में कौन सा प्रत्यय है? शत्रुमहन्ति, ठीक है। हन धातु में अ लगा है, अ जो हम लोग फ्लूत स्वर में अ बोलते हैं ना, वो वाला शत्रुघ्न। तो शत्रुघ्न शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अप्रत्यय है। वैसे दुर्ग, दुर्ग में कौन सा प्रत्यय है? अप्रत्यय है। शत्रुघ्न में धातु कौन सा है? कौन से धातु में है? हन धातु में अप्रत्यय है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अच प्रत्यय, उसमें भी लास्ट में अशेष बचता है। हरस्व या दीर्घ ईकारान धातुओं में अच प्रत्यय का योग करके भाववाचक संज्ञा पद बनाए जाते हैं। इसमें आपको क्या ध्यान देना है? जो हरस स्वर है या दीर्घ स्वर है का जो ईकारान धातु है उसमें अच प्रत्यय लगाने पे क्या बन जाता है? भाववाचक संज्ञा पद बन जाता है। जैसे चिर प्लस अय, जय मतलब चुनाव, क्री प्लस अच, क्रय मतलब जो हम लोग खरीदते हैं। तो इसमें आप देखिए ह्रस्व या दीर्घ ईकारान शब्द है उसमें क्या लगा है? अच प्रत्यय लगा है। जी प्लस अच प्रत्यय, जय मतलब जीत। तो ये आपको इतने सारे कृदंत प्रत्यय पढ़ने हैं, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है, एक एक बार आप सिंपली देख लीजिए, आपको याद रहेगा। सत्री, सानच, नियत, तव्य, तव्यत, अनियल, ये सब एक एक बार आप देख लीजिए। ज़्यादा टफ कुछ नहीं है, बस एक बार एग्जाम देने से पहले, जब भी आपका एग्जाम हो एक हफ्ते पहले, ये सारा प्रत्यय रिविजन कर लीजिए। क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन है, जैसे आपसे राम में पूछा जा सकता है, शत्रुघ्न में पूछा जा सकता है, तो एक दो बार आप रिविजन कीजिएगा तो आपका सारा प्रत्यय क्या हो जाएगा? रिविजन हो जाएगा। तो ये आपका कृदंत हुआ। नेक्स्ट आप तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो लोग आज चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे वो प्लेलिस्ट में जाके जो आपका पिछला सिलेबस कवर हो चुका है वो देख लीजिए, रिविजन कर लीजिए। और जहाँ कोई क्वेश्चन में डाउट हो आप पूछ सकते हैं, अभी भी टाइम है आपके पास, अच्छे से रिविजन कर सकते हैं। और 25 सेट्स के अलावा और भी आपको क्वेश्चन सीरीज दिया जाएगा अभी अभी के कमिंग वीक, जो एक वीक का टाइम है उसमें सारा MCQ क्वेश्चन और भी आएगा, तो आप उसको देखकर एक एक बार और रिविजन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपडेट्स।